अगर आप इस्तेमाल करते हो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर तो शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा, अगर आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड में ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर F और J की के ऊपर एक छोटा सा लाइन दिया होता है या फिर कहें एक छोटा सा बम्प दिया होता है, उभार दिया होता है। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर में कीबोर्ड में ये छोटा सा उभार या फिर कहें बम्प किस लिए दिया होता है, इसका बेसिकली क्या यूज है? वेल, जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी के अंचल में आपका स्वागत है। देखो यार, आपने देखा होगा बहुत से लोग कीबोर्ड में बहुत ही ज्यादा फास्ट टाइपिंग करते हैं बिना देखे। उनका जो ध्यान होता है वो सामने स्क्रीन की तरफ होता है और जो हाथ होता है वो नीचे कीबोर्ड में होता है, तो वो बिना देखे काफी फास्ट टाइपिंग करते हैं और एकदम एक्यूरेट टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी सवाल उठता है कि आखिर में भैया ये फास्ट टाइपिंग कर कैसे लेते हैं, इन्हें जो कीज होते हैं या फिर कहें अल्फाबेट होता है वो कैसे याद हो जाते हैं। वेल, इसके पीछे भी कुछ रीजन है, तो चलिए वो जान लेते हैं, जिसके बाद आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि आखिर में ये F और J के ऊपर जो छोटा सा बम्प दिया होता है या फिर कहें लाइन दिया होता है वो आखिर क्यों दिया गया है। देखो यार, जब भी हम कीबोर्ड में कुछ भी टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ की जो सारी उंगलियां होती हैं वो कीबोर्ड के ऊपर होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ के इंडेक्स फिंगर की, तो उसे बेसिकली हम F के ऊपर रखते हैं जहाँ पे भी एक छोटा सा बम्प बना हुआ है। तो बाकी बची उंगलियों की यानी लेफ्ट हैंड साइड के जो बाकी बची तीन उंगलियों को A, S और D में रखा जाता है। वहीं पे बात करें हम राइट हैंड साइड यानी सीधे हाथ की, तो सीधे हाथ की जो भी इंडेक्स फिंगर होता है उसे J के ऊपर रखा जाता है। तो बाकी बचे उंगलियों को बेसिकली हम K, L और कॉलन के ऊपर रखते हैं। तो इसके अलावा जो बाकी बचे दोनों अंगूठे होते हैं वो बेसिकली स्पेस बार के ऊपर रखा जाता है। तो ये मेथड बेसिकली एक प्रोफेशनल मेथड है या फिर कहें प्रोफेशनल तरीका है जो लगभग सभी लोग फॉलो करते हैं जिनकी भी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है या फिर जो लोग भी बिना देखे टाइपिंग करते हैं वो सभी लोग इसी मेथड को अपनाते हैं। तो अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं टाइपिंग स्पीड को या फिर आप भी बिना देखे लिखना चाहते हैं बहुत ही फास्ट, तो ऐसे में आपको ये मेथड अपनाना होगा। और इसमें हालांकि आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है और आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका जो हाथ है वो इस पर बैठ जाएगा और आप फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। हालांकि हम सभी लोग ऐसे तो ये मेथड नहीं अपनाते, बस जो की मिल गया F मिल गया तो F दबाते हैं, स्पेस मिल गया तो स्पेस दबा देते हैं। ये मेथड बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जितने भी प्रोफेशनल होते हैं जो प्रोफेशनल टाइपिंग करते हैं फास्ट टाइपिंग करते हैं वो सभी लोग इस मेथड को अपनाते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि आखिर में ये F और J की के ऊपर जो भी छोटा सा बम्प है या फिर कहें लाइन है वो आखिर क्यों दिया गया है। तो देखो यार, F और J की में जो छोटा सा लाइन दिया गया है, ये दोनों की कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट की होते हैं A टू Z सभी की के बीच में दिया होता है, जहाँ पे आप अपने दोनों इंडेक्स फिंगर और बाकी उंगलियों को रख के आसानी से सारे की को आसानी से दबा सकते हैं और ऐसे में आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर आप फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आप स्क्रीन में देख के फास्ट टाइप करोगे, तो ऐसे में कभी कभी हो जाता है कि आपको कुछ और कीज दबाना होता है तो आपका जो हाथ है वो F और J की से हट जाता है। तो ऐसे में कैसे पहचानेंगे कि F और J की कहाँ है, तो कई बार भूल जाते हैं और इसी गलती के वजह से हम कई बार गलत टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको F और J की को आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है फास्ट टाइपिंग करते वक्त। तो इसी वजह से एक छोटा सा बम्प दिया गया है, एक लाइन दिया गया है, ताकि टाइपिंग करते वक्त बिना देखे पहचान लो कि भैया हाँ ये F है और ये J की है और इसके साइड में ये अल्फाबेट है और इसके साइड में ये अल्फाबेट है, ताकि यहाँ पर आपको टाइपिंग करते वक्त कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से फास्ट टाइपिंग कर सके बिना किसी मिस्टेक के। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर में ये F और J की के ऊपर जो छोटा सा लाइन दिया होता है वो आखिर में क्यों दिया होता है। जो जितने भी प्रोफेशनल होते हैं बेसिकली वो यही मेथड अपनाते हैं, इसी की मदद से ही फास्ट टाइपिंग कर पाते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस यार, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर जरूर दबाना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।